Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिजवान को कप्तान बनाया गया वाइट बॉल क्रिकेट में, तो नायब कप्तान कौन होगा? बाबर आजम की कप्तानी से मुस्ताफी होने के बाद विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रजवान कप्तानी की दौड़ में सरफहरिस्त। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड वनडे और टी20 के लिए अलग अलग कप्तान मुकर्रर करने या मोहम्मद रजवान को दोनों फॉर्मेट्स की कप्तानी देने पर सोच विचार कर रहा है। कप्तानी और नायब कप्तानी की दौड़ में मुमकिन उम्मीदवारों में शादाब खान, साय मयूब, शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। खबर आसान एजेंसी पीटीए ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि वनडे और टी20 टीम की नायब कप्तानी के लिए शादाब खान, साय मयूब, शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी मजबूत उम्मीदवार हैं। ताहम टीम के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन और सिलेक्टर्स की जानिब से वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। भारत में शेड्यूल ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की मायूसकुन परफॉर्मेंस पर क्यादत में तब्दीली हुई थी और बाबर आजम से इस्तीफा ले लिया गया था। ताहम बाद अजां शान मसूद टेस्ट और शाहीन को वाइट बॉल की जिम्मेदारियां दी गई। ताहम मैच एक सीरीज के बाद शाहीन से टी20 की कप्तानी ले ली गई और फिर बाबर आजम को दोबारा क्यादत सौंप दी गई, जिस पर क्रिकेटर्स में इख्तलाफात की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वाइट बॉल की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान वाज़े इंतखाब हैं, क्योंकि बाबर आजम के साथ वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो खेल के तमाम फॉर्मेट्स में खुदकार सिलेक्शन होते हैं। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.